नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। अमेरिका में मूर्ति के नीचे मिला 130 साल पुराना टाइम कैप्सूल। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अमेरिका में कर्मचारियों को एक मूर्ति के आधार के नीचे तांबे के बक्से में बंद टाइम कैप्सूल मिला है। बताया जा रहा है कि यह टाइम कैप्सूल 130 साल पुराना है। खुदाई के दौरान इस स्थल से यहां दूसरा टाइम कैप्सूल मिला है। वर्जीनिया के गवर्नर राल्फ नॉर्थम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह वही टाइम कैप्सूल है जिसकी तलाश सभी लोग कर रहे थे और उन्होंने इसे पा लिया है। वहीं राल्फ ने आगे कहा कि संरक्षण करने वाले लोग इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या आगे करना है और इसे जल्द ही खोले जाने की आशंका है। वर्ष 1887 के आर्टिकल के मुताबिक एक टाइम कैप्सूल को जनरल रॉबर्ट ई ली के मूर्ति के नीचे एक टाइम कैप्सूल को छिपाया गया था। बता दें कि गृह युद्ध के दौरान जनरल रॉबर्ट ने उत्तरी वर्जीनिया के सेना का नेतृत्व किया था। वहीं इस टाइम कैप्सूल में बटन करेंसी नक्शा, अब्राहम लिंकन की उनके ताबूत में रखी दुर्लभ तस्वीर और गोलियां रखी गई थी। बताया जा रहा है कि जूते के डिब्बे के आकार के टाइम कैप्सूल को मूर्ति के आधार में खुदाई के दौरान पाया गया था। वहीं गवर्नर ने अपने ट्वीट में तांबे के बॉक्स की तस्वीर भी पोस्ट की है। बता दें कि जनरल रॉबर्ट की यह मूर्ति वर्जीनिया शहर के रिचमंड इलाके में जो वर्ष 1861 से 65 तक चले संघर्ष के दौरान दक्षिण की राजधानी थी, इस मूर्ति को गिरा दिया गया था। और इससे पहले मिले टाइम कैप्सूल में 3 किताबें, 1 फोटो और 1 सिक्का मिला था। खबरों के मुताबिक पहला टाइम कैप्सूल यादगार था जिसे वहां काम कर रहे कुछ कारगरों में रखा गया था। वहीं सोमवार को जो नया टाइम कैप्सूल मिला है वह आकार में लगभग उसका 2 गुना है। गवर्नर ने बताया है कि संरक्षणकर्ता इसकी अध्ययन करके इसे जल्द खोला जाएगा। बता दें कि पिछले साल जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ली की मूर्ति विरोध करने वालों के निशाने पर आ गई थी जो नस्ली न्याय की मांग कर रहे थे। ली ने दासता को बनाए रखने के लिए समर्थन किया था। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।